बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैट्रिक और इंटरमीडिएट तमाम स्टूडेंट्स से मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ। अब भाई कुछ ऐसी न्यूज़ हैं कि मतलब गवर्नमेंट सिंध जो है उनका और कराची जो बोर्ड्स हैं, चाहे सेकेंडरी बोर्ड है चाहे इंटरमीडिएट बोर्ड है, इनके दरमियान जो है वो मीटिंग चल रही है। और मीटिंग इस हवाले से चल रही है कि भाई महकमा मौसमियात ने जो है आने वाले दिनों में गर्मी की शदीद लहर बताई है, हीट स्ट्रोक जो है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा, यानी 45 तक का जो है टेम्परेचर जा सकता है। तो इस हवाले से जो है सिंध बोर्ड अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो गवर्नमेंट है, वो इन बोर्ड से ये कह रही है कि भाई आप जो है पेपर्स की डेट आगे कर दें। ठीक है, अभी मतलब कंफर्म तो नहीं हुआ कि वो इस चीज़ को माने हैं या नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि 15 मई से जो है स्कूल भी शायद ऑफ हो जाएं, मतलब नेक्स्ट वीक से ऐसी बातें चल रही हैं कि 15 मई से 15 जुलाई तक छुट्टियां दे दी जाएं वेकेशंस गर्मियों की। तो इस हवाले से चूंकि ज़ाहिर है जो बच्चे पेपर देने जाएंगे उस वक्त भी गर्मी होगी, टाइम में ऐसा होता है, तो इस हवाले से जो है बात चल रही है। और आप ये मतलब ये बात भी नोट की गई है कि जो आप लोगों के लिए जो सेंटर लिस्ट आती है, जिस सेंटर में आपका बोर्ड पड़ा है, वो अब तक लिस्ट जो है वो प्रिंट नहीं हुई, अभी तक किस स्कूलों को नहीं मिली। और मतलब सेंटर तो तय हो गए हैं, वो हमेशा से वही सेंटर होते हैं, हर टाउन का वही सेंटर होता है, लेकिन उसमें जो न्यू बच्चों के एडमिट कार्ड के नंबरिंग है कि कौन से बच्चे का जो सेंटर है वो कौन से स्कूल में, वो अब तक फाइनलाइज़ नहीं हुआ। और ये मीटिंग चल रही है और एक दो दिन बहुत अहम है, अगर गर्मी ऐसे ही रही तो हो सकता है कि पेपर कुछ दिनों के लिए आपके एक्सटेंड हो जाएं, आगे चली जाए डेट। ठीक है, लेकिन ये ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है भाई, मैं आप सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा चांस और मिल जाए आपकी स्टडी का। तो आपका इस बारे में क्या राय है आप तमाम स्टूडेंट्स, क्या अगर ऐसा हो जाए तो आपके लिए बेहतर है या अभी पेपर होने चाहिए, ये भी तो इस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आया कुछ दिन मिल जाए वो बेहतर है, या कि यही जो डेट आ चुकी है इसी डेट से पेपर स्टार्ट हो जाए, तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और जो भी कोई इससे रिलेटेड न्यूज़ मुझे मिलेगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।